दोस्तों, आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 22 और 23 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले पारण कब करेंगे, जाने दोनों दिन का व्रत पारण मुहूर्त। साल की आखिरी एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी का व्रत इस साल दो दिन है। जिन लोगों ने 22 दिसंबर को व्रत रखा है वह 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:31 से दोपहर 3:51 के बीच व्रत का पारण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो एकादशी का व्रत पारण सूर्योदय के बाद सुबह के समय ही किया जाता है, लेकिन इस बार ये व्रत दोपहर में खोला जाएगा। 23 दिसंबर को हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 12:59 है। 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय वाले मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। जिन लोगों ने इस दिन व्रत रखा है वह 24 दिसंबर 2023 को सुबह 6:33 से सुबह 8:52 के बीच व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत खोलने से पहले विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और फिर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। भोजन में लहसुन प्याज नहीं होने चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें द्वादशी तिथि पर चावल अवश्य ही खाने चाहिए। मान्यता है कि इससे कोई योनि में जन्म नहीं होता है। दोस्तों, पारण वाले दिन तुलसी माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा का वर्णन है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए थे, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने एक ही पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धर से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी
मेरे सालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कथा समाप्त। अब तुलसी माता की दूसरी कथा सुनेंगे। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई तब वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ मैंने कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोले कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर किया वैसे ही हम सब पर भी करना। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में तुलसी माता एवं भगवान विष्णु की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा का